मेरी तो जान ही निकल गई थी। जान तो तेरी वैसे भी निकाल लेगी मैडम, अगर उसे जरा भी भनक लग गया ना कि तू यहाँ आई थी। चल यहाँ से। भुवन, मैडम से कुछ मत कहना, मैं तो बस ये देखने आई थी कि अंदर क्या है। तेरा दिमाग खराब हो गया? तुझे मौत से डर नहीं लगता? लगता है, बहुत डर लगता है, इसीलिए तो एक बार भागने की कोशिश की थी। और अब ये जानने की कि मैडम ने कौन सा जानवर पाल रखा है यहाँ पर। ये ना भागने की बात तो तू भूल जा, और अगर हम यहाँ से निकल भी गए तो जंगली जानवर हमें खा जाएंगे, नहीं तो मैडम के आदमी हमें मार देंगे। भुवन, मैडम के साथ जीना भी तो पल पल मरने जैसा ही है ना, कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं रहता। 8 बज गए, यहाँ तो सब हमने सेट कर दिया है, अब जरा देखो ये हिना और भुवन क्या कर रहे हैं। लगता है वहां भी हमें ही देखना होगा। खाना तो बहुत अच्छा बना है हिना जी। तुमने वो सलाद बनाया जैसा हमने बताया था, काट दिया जी? जरा दिखाओ तो। भुवन, तुम ये सारे चम्मच साफ कर दो। ये सारा सैलेड तुमने बनाया है जी? मैं अपने इन्हीं हाथों से जी। जरा देखूं तो सही। शेप तो ठीक है, गुलाई भी है। मैम वो ये गलती से ऐसे हो गया। हे ना, हमने कहा था ना कि आज की रात हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अब जितनी गलती हुई है उतनी ही सजा मिलेगी। मासी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? मेरा सूप आ रहा है। भुवन, और सब कैसा चल रहा है तुम चारों के साथ? सब ठीक है ना? जी मासी, सब ठीक है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही पूछ रही थी। निर्मल, तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, और सुना है कि काम में भी। दीपिका, तुमने बैंक से लोन लिया था ना, और वो लोन चुका नहीं पाई। सुना है बैंक ने तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। अनिकेत, सुना है तुम जुए की रकम नहीं चुका पाए, इसीलिए किसी डॉन के गन पॉइंट पर हो। माय डियर समीरा, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन आपको ये सब कैसे पता चला? हवा बेटा, हवा हवा तो यहां वहां बहती रहती है, अपनों की अच्छी बुरी, आबादी बर्बादी की खबर तो मिलती रहती है ना। मासी, क्या हम सबको यहाँ पे बेइज्जत करने के लिए बुलाया आपने? आप कभी सुधर ही नहीं सकती मासी, और इस तरह हम पर नजर रखने का क्या मतलब है? और मासी,
आपने तो कहा था कि हम चारों को इस तरह इतने दिनों बाद यहाँ पर बुलाने के पीछे आपका कोई मकसद है? क्या यही वो मकसद था? अरे मकसद पर ही तो आ रहे हैं हम। तुम लोग रुक क्यों गए? खाना खाओ बच्चों, खाओ। हम सोच रहे थे कि ये जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, ये किसी के नाम पर कर दें। तुम चारों में से किसी एक के नाम पर। पर मासी, आप कहीं हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रही है ना? हाँ, आप क्यों हम लोगों को कुछ देने लगी? वैसे भी आपने हमसे और अपने भाई बहनों से कोई रिश्ता तो रखा नहीं है। अरे सच बात तो ये है कि कभी ना कभी किसी ना किसी को तो ये वसीयत जायदाद देनी ही है मुझे, तो क्यों ना अब। मैं सोच रही थी कि तुम चारों में से किसी एक को ये दे दूं। तो किसको बनाएंगे आप? जो भी तुम चारों में से जिंदा बचे। जिंदा? मासी ये क्या मजाक है? और हम सब तो अच्छे भले हैं, हमें क्यों कुछ होने लगा? मौत है बेटा, किसी को भी आ सकती है, कभी भी। एंड ट्रस्ट मी, किसी भी रूप में। मासी जी ये क्या हो गया? होता रहता है। मासी ये आवाज कैसी? लगता है कोई जंगली जानवर हवेली में घुस आया है। धीरे, हमारा साथी है वो, धीरे बोलो। इंसानों से बेहतर है, वरना ऊपर आ जाएगा। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। चलो चलो सब लोग यहाँ से चलो। सोच लो, मौत या बर्बादी, वो तो तुम चारों की पक्की ही है। एक जानवर की दहाड़ से डर गए तुम लोग? इतनी दौलत कमाने का मौका छोड़ रहे हो? इतना आसान नहीं होता इतनी दौलत कमाना। हाँ कर दो, जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी, पूरे 300 करोड़। तीन सौ करोड़ अब ये लोग क्या करेंगे? कहीं मैम इनकी भी उंगलियां तो नहीं काट देगी? अब उंगलियां कटे या हाथ, ये लोग वही करेंगे जो 300 करोड़ की बात सुनकर कोई भी आदमी करेगा, मरेंगे या मारेंगे। ये साहब लोग पता नहीं इतने सुबह सुबह ऑफिस क्यों आ जाते हैं। निर्मल ये सही नहीं है, खुद की जिंदगी और मौत का खेल खेलना चाहते हो? तो और क्या करूं प्रिया, अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूं। मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, उसकी रिपोर्ट्स आते ही हॉस्पिटल में पेमेंट करना होगा, लाखों में पेमेंट है, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? निर्मल
एक जिंदगी बचाने के लिए एक जिंदगी दांव पर लगा रहे हो तुम। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भी चली जाए और प्रॉपर्टी भी। लेकिन प्रिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिंदगी भी बच जाए और प्रॉपर्टी भी मिल जाए। लेकिन तुम्हारी आंटी तुम्हारे साथ कौन सा मौत का खेल खेलेगी तुम्हें पता भी है? पता नहीं यार, लेकिन इस वक्त जिंदगी के जिस चौराहे पे मैं खड़ा हूँ, मेरे पास ये खेल खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। निर्मल सर, आपके नाम पे कुरियर है। इतनी सुबह सुबह किसका कुरियर? शायद हॉस्पिटल से होगा, मेरी बेटी की रिपोर्ट्स। कम इन। तो रिपोर्ट ही है ये? कैसा मेडिकल रिपोर्ट है? हाँ, थोड़ी अजीब सी है ना। हाँ, ये क्या? ये जो आपके सामने लाल रंग का बटन दिख रहा है, उसे दबाइए तो आगे की जानकारी प्राप्त होगी। स्ट्रेंज। देख लेते क्या है। क्या हुआ साहब? मेरी उंगली फंस गई है। सब कोशिश करो उंगली निकालने की। अरे कोशिश तो करो पर निकल नहीं रहा। सर सर सर, प्लीज कीजिए। अरे क्या आप जाके फॉसेट लेके आओ। जल्दी आना। निर्मल, फाइन। निर्मल, हेलो समीरा, तू कहाँ हो? कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या यार, तुमने बुलाया और अच्छा मैं वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ तुम प्लीज। ये मेडिकल रिपोर्ट, इसके ऊपर वो बटन लगा हुआ था। जैसे ही निर्मल ने उस बटन पर उंगली लगाई, उंगली इस छेद के जरिए अंदर चली गई। जैसे उंगली अंदर चली गई, इसके अंदर लगा हुआ ये ट्रैप, इसके अंदर उसकी उंगली फंस गई और कट गई। इस पर लगा हुआ जहर उसकी कटी हुई उंगली के जरिए शरीर में चला गया। सर, और हॉस्पिटल पहुंच के 10 मिनट के अंदर निर्मल की मौत हो गई। आप लोग निर्मल के कजिन है ना? क्या लगता है आपको कौन कर सकता है ऐसा? चुप क्यों तुम लोग? क्या निर्मल का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? सच बताते क्यों नहीं हो? तुम दोनों की वो पैसे वाली आंटी जो तुम्हारे साथ मौत का खेल खेल रही थी। क्या मौत का खेल? कौन सी आंटी? सर, एक्चुअली सर, हमारी एक आंटी है, मंदिरा आंटी, वो काफी रईस है सर। उन्होंने हमसे कहा था कि हम सोच रहे थे कि जो हमारी सारी प्रॉपर्टी है, ये हवेली, तुम चारों में से किसी एक को ये दे। जो भी तुम चारों में से जिंदा बचेगा उसके नाम में सारी दौलत कर दूंगी, पूरे 300 करोड़। ये बात तुम लोगों ने हमसे पहले क्यों नहीं बताई? हम निर्मल को बचा सकते थे। हम चारों सर से लेके पांव तक कर्ज में डूबे हुए हैं। या तो हम खुदकुशी कर लेते, या तो फिर किसी लेनदार की गोली का शिकार हो जाते।
ऐसे में मंदिर आंटी की शर्ट ने हमें जीने की एक उम्मीद दी। सर अब आप लोगों को सब कुछ पता चल चुका है सर, सर अब आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए सर, वरना वो हम तीनों को भी मार डालेगी सर। तीनों को? दीपिका वो तुम्हारी तीसरी कजिन कहाँ है? उसका तो फोन ही बंद आ रहा है। सर कल रात किसी ने दीपिका को भी मार डाला सर, उसकी लाश और एविडेंस हमने सब फॉरेंसिक बचा दिए। सर दीपिका के शरीर पर बहुत ही अजीब तरीके के खरोंचों के निशान हैं। सर उन मंदिर आंटी के जानवर ने ना दीपिका को खरोंच के मारा होगा। अभिजीत दीपिका को भी मार डाला। मंदिरा जी से आप लोग नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? मिलना तो पड़ेगा ही उसे, हम लोग पूछताछ करने आए सीआईडी से हम लोग। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मंदिरा जी आपके किसी भी सवाल का उत्तर नहीं दे सकती, वो आराम कर रही हैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात को समझिए आप। अरे क्या आप खड़े रहिए यहाँ पे। लाओ सर। मंदिरा जी कहाँ है? मंदिरा जी वो हिना हिना क्या हुआ डॉक्टर साहब? एक पतीला पानी गर्म करके ले आना। पानी गर्म किया मैं लेके आती हूँ। डॉक्टर साहब घर में किसकी तबीयत खराब है? मंदिरा जी को परसों पैरालिटिक अटैक आया था। सर ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। हाँ सर, ये ऐसे हालत में वो खून और सर वो जानवर ये तो वही आवाज है जो हमने सुनी थी ना। एक बात तो पक्की है सर, आवाज हवेली के अंदर से ही आई है। सर बहुत खतरनाक जानवर होगा ना? कोई नहीं है, कोई जानवर नहीं है सर। आवाज तो है, सर भी कमाल है सर, इतने खूंखार जानवर को पकड़ने के लिए हम दोनों को भेज दिया। आवाज वहां से आ रही है। अरे कहाँ गिर गए? पकड़, चलो और चलो और चलो। शंकर आगे चल, इट्स माय ऑर्डर। ऑर्डर ताले का बाप, अंदर किसी को नहीं जाने देने का इसलिए। चलो हमें भी अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ। है ना? रेडी मैं हूँ। दरअसल उठ उठ। अरे लाश बन के लेटे रहो, हमसे बोर होके भाग जाएगा। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस हो गया। इस अचानक से सामने आ गया तो लाश बन के बैठ जाने का। कहां से ये लोग? सर दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही थी। I
आइए सर। जानवर वानवर तो कुछ नहीं है, ये माजरा क्या है? सर मैं आपको पहले ही कह रहा था यहाँ कोई जानवर नहीं है। तो फिर वो आवाज है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो जिससे पूरी हवेली में आवाज गूंजती है और इसके छोटे छोटे स्पीकर हमने चारों ओर लगा रखे हैं। ओ तो जानवर का सिर्फ साउंड इफेक्ट है। जी हाँ। और ये सब करने का मकसद क्या है? सर ये मंदिर मैडम का आइडिया है चोर डाकुओं से बचने के लिए। ये भयानक दहाड़ की आवाज हर 30 से 40 मिनट के बीच में बजती रहती है। सर मंदिरा जी ने काफी लंबी प्लानिंग की है अपने आप को बचाने के लिए। भुवन आखिरी मौका देता हूँ, सच बता यही कारण है या कुछ और है? सर मैं यही बोल रहा हूँ यही कारण है सर। ये देखो बॉस इस पंजे के नाखूनों में मांस के टुकड़े अटके हुए। ये देखो ये और ये मांस के टुकड़े दीपिका के हैं। इसका मतलब साफ है दीपिका की मौत इस पंजे की वजह से ही हुई। सर मंदिरा की बीमारी कहीं कोई नाटक तो नहीं? हो सकता है मंदिरा ने इन दोनों का खून किया और उस पर किसी को शक ना हो इसलिए पैरालिटिक अटैक का नाटक करके बिस्तर पर लेट गई। अब मंदिरा को एग्जैक्टली क्या हुआ है ये तो पता चल ही जाएगा बॉस, टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन एक बात, अगर निर्मल का हाथ चूहेदानी में नहीं भी फंसता, अगर दीपिका को कोई जानवर का भेष धर के नहीं भी मारता तो भी ये अगले 24 घंटे में मरी जाने। वो कैसे डॉक्टर? मैं बता रहा दोनों डेड बॉडीज की पाचन नली में ये काला काला सा पदार्थ और ये एक किस्म का जहर है वोडियन टी। ये पाचन रसों के साथ रिएक्ट करता है और 48 घंटे में अपना असर करता है। 48 घंटे हुए और इंसान की मौत। अच्छा सर ये समीरा ही है जिसने दीपिका को फोन किया था जब उस पर हमला हुआ। मैंने किया? मैं कैसे कर सकती हूँ सर, मेरा तो फोन ही मेरे पास नहीं है। जिस दिन हम लोग हवेली गए थे उस दिन से ही गायब है और मैं क्यों दीपिका को मारूंगी? मंदिरा की वसीयत के लालच में सब मर जाएंगे तो सब कुछ आपका हो जाएगा क्यों? नहीं सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट जब मंदिरा आंटी ने मुझे कॉल किया था तो मैं दीपिका से मिली थी और मैंने उसे बताया था कि आंटी ने हम चारों को डिनर पे इनवाइट किया और हम चारों साथ गए थे सर, है ना अनिकेत? मैं सच कह रही हूँ ना? एक मिनट, आप चारों लोगों ने वहाँ पर खाना खाया था? जी। My God, मतलब जहर इन दोनों के पेट में भी है। सर डॉक्टर्स का कहना है कि ये जहर अब उनके शरीर में फैलना शुरू हो गया और दोनों के बचने की उम्मीद बहुत कम है। पहली अभी भी वही है सर कि कोई इतना खतरनाक जहर देने के बाद भी तो दोबारा क्यों मारना चाहता है? वही तो, इसलिए लगता है अभिजीत दो दुश्मन है दो जो इन चारों की जान के पीछे पड़े हैं। दो दुश्मन? हाँ दो अलग अलग दुश्मन जो अपने अपने तरीके से इनकी जान लेना चाहते हैं। एक का तो पता है सर हवेली में से ही कोई है जिसने इन चारों को जहर दिया था। हाँ
उस दूसरे का पता लगाना चाहिए, दूसरे का। हाँ सर उनके बोल। एक बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम सामने। क्या? वो ये कि मंदिरा ड्रामा नहीं कर रही थी, उसे वाकई पैरालिसिस का अटैक हुआ। क्या? ठीक ना, ये अटैक नेचुरल नहीं है। क्या तेरे कहने का मतलब क्या है? मंदिरा के खून में मुझे कोडी BH78 के ट्रेसेस मिले हैं, उसे इसका ओवरडोज दिया गया। अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, इस मंदिरा को किसी ने कोई ऐसा जहर दिया है, ड्रग दिया गया है, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस का अटैक आ गया, लकवा मार गई। मतलब कोई मंदिरा के पीछे भी पड़ा है? लगता तो यही है। लेकिन सर कौन हो सकता है? वही जयवंती, वही जिसने समीरा के फोन से दीपिका को फोन किया उसके मरने के तुरंत पहले। पता लगाना पड़ेगा ये फोन कहां से किया गया था, कहां से। फिर मंदिरा के घर की भी अच्छी तरह से तलाशी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन चारों को जहर मंदिरा के घर पर ही दिया गया था। इतने सारे डॉक्टर? डॉक्टर डैम, डॉक्टर जेके, डॉक्टर डैमियन थे। तीन तीन डॉक्टर इलाज के लिए? ये तीनों थेरेपी स्पेशलिस्ट हैं। मैंने इन्हें खास तौर पर मंदिरा जी के इलाज के लिए लेकर आया हूँ। लेकिन अपने फेफड़ों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत खराब करो, इससे दिमाग की सांसें लेनी बंद हो जाएगी और तुम्हें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, और तुम्हारी सांसों की स्पीड बंद हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी। Memorandum of Association is an unalterable document of the intellectual prospect of Czechoslovakia, which needs a sudden inspiration of the little desperation of the human brain that goes into a human pipe called Philadelphia. क्या बात है, आप लोग कुछ हमको भी समझाओगे? देखिए, इनके मांसपेशियों की स्पीड बढ़ गई है, इसलिए इनके ब्लड में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। हमें इन्हीं फ्लक्चुएशंस को एक्सेलरेशन में बदलना होगा। क्या डॉक्टर जेके, हमें क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि सटीक तापमान पर पानी गर्म करके लाना होगा और उसमें हमारी पहाड़ी जड़ी बूटियां मिलानी होगी। हाँ सही कहा आपने। किचन कहाँ आपका? नहीं रुकिए ना, मैं पानी लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। नो थैंक यू। देखो ये इंडिपेंडेंट थेरेपिस्ट है, ये अपना काम खुद करने में बिलीव करते हैं। चर्मन सालों के साहब कह रहे थे कि उन चारों को जो जहर दिया गया था वो नमक की तरह दिखता है। सर लेकिन अगर मंदिरा ने खून किया ना, तो उसने घर के नमक के साथ नहीं रखा होगा, उसने कहीं अलग सा रखा होगा। यस डॉक्टर जेके, डॉक्टर जेके, जब लोगों के सामने एक्टिंग करनी होती है तो कैरेक्टर में नहीं रहते हो, हैं? जब यहाँ पे अकेला हूँ मैं तो डॉक्टर जेके। अरे पंकज ढूंढे ढूंढे। डॉक्टर इन्हें थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाइए प्लीज। गरम पानी के लिए बर्तन ढूंढ रहे। तू ये हाथों में ग्लव्स क्यों? समीरा का फोन यहीं पे था जब उसने दीपिका को कॉल किया था। इसका मतलब है जरूर इस मिसेस मल्लिका का कुछ ना कुछ हाथ है दीपिका के खून में। दरवाजा खोलो। सर ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कहीं भाग तो नहीं गई? एक मिनट,
सर, सर पे चोट लगी। सर पे चोट लगी है? मयूर जरा देखो घर पे कोई है क्या? जिंदा है, बेहोश है। ये औरत, इसकी फोटो तो मैंने वहां मंदिरा के घर में देखी थी। मल्लिका जी आप ठीक हैं? मल्लिका जी मयूर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जल्दी आप उठिए। आप लोग हाइजीन, अब वी आर अ डॉक्टर। ओसीडी, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नहीं वो क्या है ना, वो पेट में थोड़ी गैस हो गई थी इसलिए वो डिस्टिलेशन कर रहा था। अरे कहाँ हो हिना? आ रही हूँ भुवन। गए क्या? आ जा बाहर। आ रहा। सर, ये देखो, ये देखो सर, शायद यही। किसने मारा आपको? कुछ पता नहीं पड़ा सर, शायद कोई घर में घुस आया था और पीछे से मुझ पे हमला कर दिया। मल्लिका जी, ये मंदिरा आप कैसे जानती हैं उन्हें? वो भाभी है मेरी। पर क्या हुआ है सर? मंदिरा के कुछ रिश्तेदारों का खून हो गया और वो भी पैरालाइज हो चुके हैं। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी है। गॉड, ये औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसने पैसों के लिए मेरे भाई को मारा, उनकी पहली बीवी को मारा था। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सर, ये बहुत खतरनाक औरत है। अच्छा, कल शाम आपके यहाँ से किसी ने दीपिका को फोन किया था, आपने किया था? दीपिका? समीरा के मोबाइल से। कौन समीरा? मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, मैंने कोई फोन नहीं किया सर। तो फिर आपके घर से कल शाम किसी ने दीपिका को कैसे फोन किया? कल शाम को? हाँ सर, कुछ याद आ रहा है। कल मेरे घर कोई आया था जो मेरी और मंदिरा भाभी के रिश्तेदार है। कौन है वो? आवाज कैसी? जानवर की आवाज? लेकिन सीआईडी वाले तो वो टेप लेकर चले गए थे अपने साथ में। Thank you.
यहाँ से, मेरा बाल, मेरा बाल। पहले तो मैं जानवर बनके दीपिका को मारने के लिए कहा था, और तुम मुझ पे हमला करने आ गए। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी। पीछे हट, हट पीछे। कब हुआ? हाँ कुछ कहना है हमें? हाँ क्यों मारा दीपिका और निर्मल को? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरे पिताजी के गुजरने के बाद मंदिरा माँ ने मुझे नौकरानी बना के रख दिया। इस बुआ ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, और अब मंदिरा माँ ये सारी विरासत अपने भतीजे भतीजियों के नाम करने वाली थी, जिसमें सिर्फ मेरा और मेरा हक है। मंदिरा ने उन चारों को उस रात खाने में जहर दे दिया है ना भुवन? मैं क्या करता सर, आप लोग समझ भी नहीं सकते। वो औरत कितनी बेरहम और खतरनाक है। उसने कहा चारों के खाने में जहर डाल दे, और मैंने डाल दिया। मैं मजबूर था सर, मैंने उससे पूछने की कोशिश भी की और पूछा भी, मैडम आप ऐसा क्यों कर रही है? उसने कहा कि इन चारों लोगों से मुझे खतरा है, ये लोग मुझे पैसे के खातिर मार सकते हैं, इनके मारने से पहले मैं इनको मार दूंगी। और अगर तूने कुछ बोला तो मैं तुझे भी मार दूंगी। मैं डर गया था सर। और ये बात तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुमने भी उन चारों को मारने का प्लान बनाया। हाँ। और तुमने अपने सौतेली माँ को ऐसा ड्रग दिया जिससे वो पैरालाइज हो जाए। सारी जिंदगी उन्होंने जो काम किया है उसके लिए ये सजा भी कम है। मैंने अपना बदला उस दिन लिया जिस दिन उसने दावत रखी थी। उस रात मैंने उनके दूध में कोड़ी BH78 नाम का ड्रग मिला दिया था, जिससे वो पैरालाइज्ड हो गई। मल्लिका जी को मारने की कोशिश क्यों की? क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? मैं डर गई थी। मैंने सोचा अगर आप लोग इन तक पहुंच गए तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। क्या हासिल हुआ ये सब करके? मेरे दिल को सुकून मिला। सारी जिंदगी जिन पैसों के लिए इस औरत ने मेरे पिताजी को बेवकूफ बनाया, मेरी मम्मी और पापा को मारा, मुझे नौकरानी बना के रख दिया, अपने सगों को जहर दिया, आज उसी दौलत की एक भी फूटी कुड़ी उसके किसी काम की नहीं है। तुम्हें भी तो कुछ नहीं मिला इस जायदाद से। दो दो खून किए, मंदिरा को अपाहिज बना दिया, अब तुम्हें ये महल नहीं जेल की काल कोठरी नसीब होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।